आपकी बात सुनूंगा। श्रीचंद शर्मा जो एमएलसी है उन्होंने क्या लिखा है अपनी फेसबुक पर, आपके सामने स्क्रीन की उसे पढ़कर बता दिया जाए। आपकी स्क्रीन पर है, श्रीचंद शर्मा ने लिखा, आज लखनऊ विधान भवन में माननीय सभापति जी के निर्देशन में माननीय नेता सदन विधान परिषद उत्तर प्रदेश श्री केशव प्रसाद मौर्य जी की अध्यक्षता में आयोजित बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग की बैठक में माननीय शिक्षक एवं स्नातक विधायक गणों के साथ सम्मिलित होकर बेसिक माध्यमिक उच्च शिक्षा के विभिन्न विषयों को रखा। नंबर एक, तदर्थ शिक्षकों के विषय में विभागीय अधिकारियों ने अवगत कराया कि कोर्ट के निर्देश के आलोक में निर्णय लिया जा रहा है, तो जल्द ही मान्य समिति को अवगत करा दिया जाएगा। शिक्षा मित्रों के समायोजन पर सहमति बन गई है, जल्द इसके निर्देश जारी हो जाएंगे। शिक्षा मित्रों के मानदेय हेतु समिति गठन के निर्देश दिए गए हैं, जो 3 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। साथ ही अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि पर भी समिति विचार, आज नेता सदन विधान परिषद माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में माननीय विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक एमएलसी गणों और बेसिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा व उच्च शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें तदर्थ शिक्षकों, शिक्षा मित्र, विषय विशेषज्ञ आदि की समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। नंबर एक, तदर्थ शिक्षकों के विषय में विभागीय अधिकारियों ने अवगत कराया कि कोर्ट के निर्देश पर आलोक निर्णय लिया जा रहा है, जो जल्द ही मान्य समिति को अवगत कराया जाएगा। नंबर दो, शिक्षा मित्रों के समायोजन पर सहमति बन गई, इसके निर्देश जारी होंगे। नंबर तीन, शिक्षा मित्रों के मानदेय हेतु समिति गठन के निर्देश जो 3 माह के अंदर रिपोर्ट देगी। नंबर चार, अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि पर भी समिति विचार कर अपनी रिपोर्ट देगी। नंबर चार, प्राथमिक विद्यालय में प्ले ग्रुप की मान्यता दिए जाने की भी मांग हम सब ने की, जिस पर जानकारी दी गई कि अभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं उनमें बाल वाटिका के नाम से कक्षा संचालित किए जाने की योजना बनाई जा रही है। अन्य विद्यालयों के लिए मान्यता की भी नीति बनाई जाएगी। बेसिक शिक्षकों की अंतर जनपदीय स्थानांतरण नीति भी बनाने के निर्देश नेता सदन द्वारा दिए गए। 69,000 शिक्षकों की भर्ती वाले विषय पर कोर्ट के निर्देशों की प्रतीक्षा की जा रही है, जैसे ही निर्देश प्राप्त होंगे लागू कर दिए जाएंगे। संस्कृत विद्यालयों की मान्यता हेतु जमीन की उपलब्धता लीज डीड होने पर ही मान्यता दिए जाने के प्रावधान किए जाने के निर्देश भी बताए गए। नंबर आठ, वित्त विहीन विद्यालयों के मेधावी छात्रों के बारे में चर्चा हुई। परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में कोई अनियमितता नहीं हो, इसके लिए कमेटी बनाने के निर्देश। राजकीय विद्यालयों में 12,000 शिक्षकों के चयन हुए अधिचयन, जिस पर जल्दी कार्रवाई कर चयन आयोग द्वारा की जाएगी। पुराने मान्यता प्राप्त यूपी बोर्ड के विद्यालय में अतिरिक्त वर्ग की मान्यता हित वर्तमान भूमि की उपलब्धता के मानकों में शिथिलीकरण के विचार पर भी बातचीत हुई। अशासकीय विद्यालय के शिक्षकों के प्रमोशन हेतु नीति बनाई जाए। वित्तविहीन शिक्षकों के लिए नीति बनाने हेतु समिति के निर्देश। अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय के शिक्षकों की सेवा सुरक्षा हेतु नीति। वित्तविहीन विद्यालय के मेधावी छात्रों को सम्मान व पुरस्कृत किया जाए। ये सब बातें 15 बिंदु बनाई गई और ये बातें उन्होंने अपने फेसबुक पर शेयर की हैं और उन्होंने ये तस्वीरें भी डाली हैं। और इन तस्वीरों के बाद जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, आप समझ रहे होंगे, ये तस्वीर श्रीचंद शर्मा पीले कुर्ते में बैठे हुए हैं, केशव प्रसाद मौर्य के बगल में देवेंद्र प्रताप सिंह है, उसके बाद एक और एमएलसी बाबूलाल तिवारी जी है, उसके बाद श्रीचंद शर्मा जी है, सारे शिक्षक विधायक एमएलसी बैठे हुए हैं, सबको आप देख पा रहे हैं। सभी लोगों की तस्वीरें आपके सामने हैं और सभी विधायकों ने अपनी अपनी बात रखी है। अब आगे शिक्षा मित्र अनुदेशक खुद समझेंगे कि उन्हें क्या करना है, क्या उनकी बातचीत है, वो सब खुद तय करेंगे। विक्रम सिंह, अभी सारी बातें हमने दिखाई, खुद एमएलसी ने अपने फेसबुक पर शेयर किया लिख के, विक्रम सिंह, विक्रम सिंह जी सर, तो ये सब चर्चा तो सर आ चुकी है और
श्रीचंद शर्मा जी जिस प्रकार से लगे हुए हैं तो अच्छी बात है, अच्छी पहल है और हम लोग स्वागत करते हैं इस प्रकार की पहल का। सभी जो माननीय सदस्यगण थे सभी का उत्तर प्रदेश का अनुदेशक आजीवन ऋणी रहेगा और इस प्रकार की जो बैठक में बातें हुई है हम लोग उनका स्वागत करते हैं। और उत्तर प्रदेश का अनुदेशक तो 11 वर्षों से धैर्य रखा है और धैर्य रखेगा और जिस प्रकार से हम लोग की कार्यवृत्ति जारी हुई थी तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब हम लोग के शासनादेश जारी होंगे। डीजी मैडम ने 10 से 15 दिन के अंदर 4-5 आदेश, जिसमें जो राजस्व की कोई बात नहीं थी, राजस्व का उसमें कोई लेना देना नहीं था, उसके आदेश को उन्होंने कहा था। तो संभवतः अगले हफ्ते हम लोग लखनऊ जाकर प्रयास करेंगे, डीजी मैडम से मुलाकात करेंगे और आगे क्या प्रगति हुई है। ट्रांसफर का जो मुद्दा है द्वितीय चरण, ये भी बहुत बड़ा एक बर्निंग टॉपिक है, ज्वलंत मुद्दा है, 3000 लोग हमारे प्रभावित है, इस पे भी चर्चा हम लोग करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं, क्या प्रगति है और उसके बाद जो भी प्रगति होगी अपने अनुदेशक साथियों को हम लोग अवगत कराएंगे। सर जी, हम एक सवाल साई जी से लेंगे। साई जी, इन सबके बावजूद भरोसा तो करना पड़ेगा और लोगों के सवाल यहाँ ये भी है कि कहीं ये लॉलीपॉप तो नहीं है उपचुनाव को देखते हुए। बात तो सब इतने पीड़ित हो चुके हैं इस सरकार में, मैं सहसा किसी की बुराई भलाई में पड़ता नहीं हूं, लेकिन जब लगातार सरकार बात नहीं सुनती है तो निश्चित रूप से गुस्सा तो आती है। अब लोग विश्वसनीयता तो सरकार ने खोई है, इसमें आम नागरिक का कोई शिक्षा मित्र अनुदेशक का लेना देना नहीं है, आम नागरिक का कोई लेना देना नहीं है। विश्वास जब आप खो देते हैं तो विश्वास बनता नहीं। ऐसे में करे तो करे क्या, आम शिक्षा मित्र अनुदेशक क्या करे, उसे अविश्वास के अलावा कुछ दिखता भी तो नहीं। देखिए, विश्वास तो करना पड़ेगा, न चाहते हुए भी करना पड़ेगा, इंतजार भी करना पड़ेगा और सारा गेम वोट का होता है सर। राजनीति में वोट जिधर दिखता है वो मुद्दे आगे बढ़ते हैं, जहां वोट नहीं दिखता वो मुद्दे पीछे चले जाते हैं। तो अवसर है बेहतर, और हमको देखिए जिससे ये नियम है, हमको जिससे लड़ना है उसी से पाना भी है, दोनों बात है। तो लड़ाई में एक मर्यादा भी रखनी चाहिए ताकि सामने पड़ने पर नजर झुकाना ना पड़े। हम किसी व्यक्ति से नहीं लड़ते, हम शासन और सत्ता से लड़ते हैं और शासन और सत्ता से ही हमको पाना भी है। माननीय विधायक गणों ने एक बेहतर प्रयास किया है, हालांकि लिखा तो बहुत कुछ है उसमें, लेकिन बाकी में विश्वास किया भी जा सकता है। लेकिन सबसे पहले जब तक मानदेय की वृद्धि नहीं हो जाती तब तक लिखने पढ़ने कोई मतलब है नहीं सर। सही बात यही है और सरकार भी ये बात जानती है कि कुछ करके दिखाना पड़ेगा, सिर्फ कोरी बातें ये नहीं चल पाती। हमेशा एक कहावत है हमारे देहात में कि काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है, तो लॉलीपॉप कितनी बार देंगे आप, ये निर्णय की जरूरत है और निर्णय लेने की आवश्यकता है सरकार को। और बिना निर्णय लिए, बिना कुछ आदेश आए बेहतर के, उत्तर प्रदेश का शिक्षक, उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र, उत्तर प्रदेश का अनुदेशक, रसोईया, आंगनवाड़ी, ये मानने वाले नहीं। तो सरकार इस विषय में निश्चित रूप से गहन विचार विमर्श कर रही है और ये मुद्दा केवल उत्तर प्रदेश सरकार का ही नहीं है, अन्य तो सिर्फ माननीय मोदी प्रतिष्ठा से भी जुड़ा हुआ है, माननीय अमित शाह जी की प्रतिष्ठा से भी जुड़ा हुआ है। उनके मुद्दे को हल कराना केंद्रीय नेतृत्व की जैसा कि लग रहा है मौर्या जी आगे बढ़े हैं तो निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश ऐसे लोग जिनको, हालांकि है नहीं ये बात सही,
जिनको लोग योगी जी का विरोधी मानते हैं, हालांकि मैं ये नहीं मानता, ऐसे लोग भी ये इसमें पहल कर रहे हैं। तो निसंदेह केंद्र का भी निर्देश है कि इस मामले को यथाशीघ्र हल करने की आवश्यकता है, वो प्रयास करिए और अंतिम निर्णय, अंतिम मुहर केंद्र को ही लेना है। योगी जी को जो निर्देश मिलेगा केंद्र से वो करेंगे, योगी जी ऐसा नहीं है। तो यही सब है सर, और आपका समय भी मैं समझता हूँ पूरा हो गया है, और अंतिम कमेंट विक्रम भाई से लेके आज के इस डिबेट का। जी सर, कुल मिला के बात ये आती है कि जब जब ये सिस्टम सरकार और कर्मचारियों के बीच तक रहता है तब तक हाथ में होता है, और कर्मचारी अपना मनोबल टाइट कर ले, और कर्मचारी का मनोबल तब टाइट होता है उसका संगठन का नेता ताकतवर होता है। मेरी बात को कोई अदर वे में ना ले। और संगठन जब टाइट होता है, लगातार एक चीज इस सरकार को लेकर प्रत्येक नागरिक कहता चला आ रहा है कि सरकार तानाशाही रवैया अपना लेती है, फिर सबको झुकना पड़ता है। मैं यहां किसी जातिगत आंकड़े या किसी सिस्टम पर बात नहीं कर पा, मैं एक सामूहिक बात कर रहा हूं। ऐसा कौन सा आदमी है, कौन सा विधायक, सांसद या अधिकारी है जिसे ये नहीं मालूम शिक्षा मित्र अनुदेशक की हालत, हैसियत या उसकी कार्य प्रणाली कैसी है, और उस सब के बावजूद उसको बार बार रचा रचाया एक जवाब के हम कमेटी बनाएंगे, समिति बनाएंगे, अब ये करेंगे। ये चीज शाही जी गले नहीं उतरती, गले तभी उतरती है कि या तो वो मुद्दे से अनभिज्ञ हो, जिन्हें पता नहीं है कि प्रदेश में क्या हो रहा है, कहां मर्डर हो गया, कहां हत्या हो गई, कहां अपराध हो गया, कहां क्या हो गया। लेकिन जब सब चीज आपके पास हो, सारी वस्तुएं आपको पता हो, चुनाव में जब आए हो तो आप ये कह रहे थे कि अगर हम सत्ता में आए तो निश्चित रूप से हम आपका कायाकल्प करेंगे, ये सब वादे हवा हवाई सब चीजें आप कहते चले आ रहे हो, आज आप उन्हीं सब बातों पर जा रहे हो। लोग कैसे भरोसा करें, इस देश को हो क्या रहा है। आप ये देखिए, हमारी कितनी बड़ी आस्था थी प्रभु श्री राम के मंदिर पर, 1,00,000 लड्डू बटवा दिए गए मछली के तेल और गाय की चर्बी के। मैं नहीं कह रहा हूं, फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट कहां से आई, गुजरात राज्य से आई। किसकी सरकार है, भाजपा की सरकार है, भाजपा के समर्थक में टीडीपी, इससे पहले वाली भी सरकार बीजेपी के समर्थन में थी। आपके मतलब की बात हो तो एक रात में आप हवा हवाई करते हो, लेकिन अभी चुनाव नहीं है तो उत्तर प्रदेश में इतनी लेक लतीफी क्यों। आपको पूरी ताकत से अपने कर्मचारी, 2,00,000 परिवारों की चिंता क्यों नहीं। 2,00,000 परिवार में से 8,000 परिवार डूब गए पिछले 5 तारीख से लेके अब तक, 1 दर्जन से ज्यादा परिवार डूब गए। अरे जिनका मर गया बीमारी से, आत्महत्या से, किसी कारण से, वो डूब गया परिवार, उसका कोई रखवाला नहीं है। इस प्रदेश में सांप बिच्छू काटे से, आकस्मिक मौत से सबको सब कुछ मिलता है, लेकिन अनुदेशक शिक्षा मित्र को इस कैटेगरी में भी नहीं मिलता। उसे जो कोरोना में मर गया उसमें भी नहीं कुछ मिल पाया। आखिर इतनी मजाक का पात्र बनाया क्यों और किसने बनाया। हमेशा आप ये कह के नहीं छूट सकते कमेटी कमेटी, लोगों को परिणाम चाहिए। जैसे आप कह रहे थे कि वोट फॉर ओपीएस, शिक्षा मित्र अनुदेशक को भी बोलना पड़ेगा वोट फॉर नियमितीकरण, वोट फॉर मानदेय, छोड़ दीजिए अध्यक्ष, छोड़ दीजिए संगठन, छोड़ दीजिए सब कुछ, हर शिक्षा मित्र की आवाज हो वोट फॉर नियमितीकरण, वोट फॉर मानदेय, छोड़ दीजिए सब बातें।
दो महीने में भूचाल आ जाएगा प्रदेश में। अरे 50 मांगे छोड़ दीजिए, ठुकरा दीजिए। अरे जब जिंदा रहेंगे तभी तो कुछ आगे चर्चा करेंगे, या तो मरने मारने पर नौबत आ गई है। सुबह को फोन उठाओ तो मैसेज आ जाता है, एक व्यक्ति हार्ट अटैक से निधन हो गया, एक व्यक्ति लंबी बीमारी के बाद उसकी मौत हो गई, एक व्यक्ति आत्महत्या कर ली। ये बताइए कौन झेले, कौन इतने मैसेज पढ़ के। अरे आप ही को रोज नॉर्मल इतने मैसेज आए, कुछ मैसेज आते हैं, कुछ ट्विटर पर टैग हो जाता है, एक एक मौत की 40-40 बार लोग टैग कर देते हैं। अब 40 बार वही मौत की बात, सब मौत की बात, क्या है इस सब का? वो जो अधिकारी बैठते हैं वो ये चर्चा क्यों नहीं करते कि भाई बड़ी तादाद में लोगों की मौत हो रही है, इन्हें फौरी राहत तो इसी महीने दे दो, बाद में हम करते रहेंगे, जो कुछ नियम कानून कायदे जो बनेंगे वो सब बाद में, लेकिन पहले जीने खाने का एक नजरिया प्रस्तुत कर दो, इन्हें जिंदा रहने का अधिकार दे दो, ये तो मरने जा रही है। साईं जी तभी कुछ रुकेगा, तभी लोगों को भरोसा आएगा और तभी कुछ बनेगा। विक्रम सिंह इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। जी सर, आपकी बातों से सहमत हूं और विचार करेंगे, और उसके बाद फिर हम वो जो संघर्ष करना धरना प्रदर्शन हो तो हम लोग के हाथ में है। जब हमें लगेगा सरकार हमारी हमें गुमराह कर रही है, हमारे मुद्दों पे ध्यान नहीं दे रही है, तो फिर हम लोग निर्णय लेंगे। लेकिन अभी पॉजिटिव चल रहा है, सकारात्मक चल रहा है, क्योंकि जितना इस समय सकारात्मक बातें हो रही है, सबसे बड़ी बात है सर कि जो सत्ता पक्ष के विधायक लोग पैरवी कर रहे हैं, ये चीजें पहली बार आई है। इससे पहले सत्ता पक्ष के लोग पैरवी नहीं करते थे शिक्षा मित्र अनुदेशकों की, लेकिन पहली बार ये जो योगी सरकार है, 17 में बनी थी और लगभग 7 साल से ऊपर हो गया, तो पहली बार इस प्रकार की बातें हो रही है कि सत्ता पक्ष के जो जिम्मेदार है, और एक बार के विधायक नहीं है, कई बार के जो विधायक है, विधान परिषद सदस्य है, वो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सकारात्मक बातें हैं, तो हमें लोगों को भी थोड़ा धैर्य पूर्वक उनको समय देना चाहिए। और जो आप बात कर रहे हैं वोट फॉर नियमितीकरण, वोट फॉर मानदेय, तो नहीं होगा तो 27 में तो विकल्प खुले हैं ना सर। 27 में तो हम लोग करेंगे वोट फॉर नियमितीकरण, हम लोगों ने 22 में किया था और काफी हद तक सफलता भी मिली, ठीक है उतनी सफलता नहीं मिल पाई, तो हम लोग तो सरकार से मांग करेंगे, डिमांड करेंगे, सरकार हमारे डिमांड को पूरा करती है तो ठीक है, नहीं तो हमें तो लड़ना है सरकार से, और जरूरत पड़ेगी जो चूंकि अभी तो सत्ता परिवर्तन का खेल नहीं है, तो अभी बहुत इसका मतलब फॉर नियमितीकरण, वोट फॉर ओपीए, सॉरी वोट फॉर मानदेय, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग वो भी करेंगे सर। जी साईं जी, मेरा वही सवाल आपसे है कि कैसे इनके जीवन बचाए जाए, बात मरने मारने की है, बात देखिए धैर्य रखना पड़ेगा और भरोसा करना पड़ेगा ना। मामला इनका सकारात्मक चल रहा है, सरकार भी है और निश्चित रूप से केंद्र सरकार भी इसमें इन्वॉल्व है, तो कुछ बेहतर की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। और निश्चित रूप से मैं मान के चल रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव घोषित होने के पहले इन लोगों का मानदेय निश्चित रूप से बढ़ेगा, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे अनुदेशक हो, चाहे आंगनवाड़ी हो, चाहे रसोईया हो, चाहे स्पेशल एजुकेटर जो विकलांग बच्चों को पढ़ाने का काम करता है सर, घूम घूम के ब्लॉकों में नियुक्ति उनकी होती है, और जिस जिस विद्यालय पर विकलांग बच्चा होता है वहां वहां जाके उनको पढ़ाने का ये काम करते हैं, उनके लिए भी बेहतरी का मार्ग प्रशस्त होने वाला है। अभी ये स्पेशल एजुकेटर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे गोरखपुर में, हम लोगों ने माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी से मिलवाया था और इनके सवाल भी तैयार कराए गए हैं कल,
मिले थे वहां पे भी मुंशी साहब से, और इनका विषय भी प्रमुखता से अगले सदन में उठने वाला है। इस मीटिंग में भी इनकी इनके विषय पे चर्चा हुई है कि इनके बेहतरी के लिए भी, चूंकि ये भी हमारे अंग हैं, इनके बेहतरी का भी ख्याल रखा जाए। और द्वितीय सत्र में तो मान लीजिए विषय विशेषज्ञ का मामला है, उनको भी पेंशन के दायरे में आएंगे नहीं आएंगे ये विषय है। चूंकि विषय विशेषज्ञ मानदेय पे नियुक्त किए गए थे और उसी मानदेय के आधार पे इनको शिक्षक बनाया गया था, तो हक तो उनका भी बनता है, वो भी विसंगति के शिकार माने जाएंगे। अगर उनका उसी विज्ञापन पे अगर नियुक्ति हुई है जो मानदेय पे नियुक्त हुए थे, तो निश्चित रूप से पुरानी पेंशन से आच्छादित उनको भी करना चाहिए। जो 28/6/2024 को जो शासनादेश जारी हुआ है उसके तहत उनको भी आच्छादित करना चाहिए। जी सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं साई जी। और लगातार केवल मेरा प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि लोगों का हौसला ना टूटे और हिम्मत के साथ उन्हें जीत मिल जाए। आपको मालूम है पुरानी पेंशन को लेकर जब आपसे पहली बार मुलाकात हुई मेरी, तो आप नहीं सोच पा रहे थे कि कुछ होगा। आपका भी दिमाग ये काम नहीं, आपको ये लग रहा था सरकार बदलेगी तभी भले कुछ हो, ये सरकार कुछ करने वाली नहीं है। सरकार कब दबाव में आ जाए ये आप नहीं सोच सकते। सरकार कब आपके बारे में काम कर दे, करती तभी है जब दबाव में आती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिना नमानत जलद जड़ गए तीन दिन वीर, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। ये उस समय की चौपाई तुलसीदास जी ने लिख रखी है जब समुद्र के किनारे भगवान श्री राम खड़े होकर श्रीलंका जाने की सोच रहे थे और समुद्र किसी भी कीमत पर उन्हें रास्ता नहीं दे रहा था। लक्ष्मण जी नाराज थे, बोले एक बार में ऐसे हजारों लाखों समुद्र एक मिनट में सोख सकता हूं, सोखो बारिद बिशिक किसान। और ऐसे लक्ष्मण जी को प्रभु श्री राम ने समझाया लेकिन वो युद्ध हो गया, समुद्र सूख गया। यहां तो समुद्र को समझाते समझाते शिक्षा मित्र की आंखें सूख चुकी हैं। 7 वर्ष एक लंबा अंतराल, और अगर बीच का 3 वर्ष गोल्डन पीरियड निकाल दें तो 17 वर्ष, यानी 17 वर्ष की जिजीविषा जो आज अनुदेशक और शिक्षा मित्र के साथ और सरकार के यानी भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल के जो नेता साथ आए हैं वो एक बड़ी बात है। यही हाल 2014 में जब समाजवादी पार्टी के विधायकों ने इनकी बात प्रायोरिटी पे रखी, तभी अखिलेश यादव पर दबाव बना था और अखिलेश यादव ने वो बातचीत मानी थी। आप भी तब शिक्षक नेता थे, आपको सारी बातें पता है। आज फिर दबाव आ रहा है, विपक्ष का दबाव तो बड़ा दबाव मानती थी, ये पहली सरकार है ये विपक्ष की बात नहीं मानती है, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी के सामने नेता प्रतिपक्ष आए तब से नरेंद्र मोदी जरूर विपक्ष की बात को मान रहे हैं। वो अपना कुछ नहीं चला रहे हैं, जो विपक्ष चाह रहा वही कर रहे हैं। ओपीएस के दबाव में यूपीएस ले आए, जातीय जनगणना कराएंगे आज लिख के दे रहे हैं, वक्फ बोर्ड बिल घर ले गए, एक चुनाव एक राष्ट्र लाए, एक राष्ट्र एक चुनाव ये भी वापस जाएगा। संशय में पड़ गए हैं क्या करें क्या न करें। ठीक उसी तरीके से मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी हो या फिर होली का पर्व हो, तो हुरियारे घर में बैठे हुए थे, वो कुछ ओढ़ के भागना चाहते थे, वो जल्दी में अपनी पत्नी का पेटीकोट लेके भाग खड़े हुए थे और वो वही ओढ़े जा रहे थे, तो लोगों ने पूछा ये क्या बनाए घूम रहे भूमिका। तो भारतीय जनता पार्टी जब तक हार नहीं रही थी तब तक वो किसी को समझ नहीं रही थी, अब हारी है तो ठिकाने पे आए हैं, और ठिकाने पे आए हैं तो लोगों की बातें माननी पड़ेंगी। अब वो लठ्ठामार होली नहीं चलेगी कि आप कुछ भी बोलते रहो कुछ भी करते रहो। लोग अब देख रहे हो, आप सोशल मीडिया पर धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं, लोगों के खिलाफ FIR हो रही है, पत्रकारों के खिलाफ FIR हो रही, रुक नहीं रहे। फिर भी जब लोगों में विरोध आ जाता है तो शाही जी विरोध में बड़ी तीव्र गति होती है। आपकी बुराई की स्पीड 1000 किलोमीटर की होती है और भले कर्म की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा की वह मुश्किल होती है, लेकिन जब आप किसी बुराई को रोकते हैं तो बुराई बड़ी तीव्र गति से निकलती है। ये बात पूरे देश में फैल गई,
कि भाजपा रोजगार पर, भाजपा कर्मचारी पर, भाजपा संविदा पर बिल्कुल चारों खाने चित्त पड़ी है। अरे अमित शाह ने ऐलान किया कि नहीं कि अग्निवीर को हम नौकरी देंगे परमानेंट। अरे कल परसों की बात है, आज अमित शाह जी बोल रहे हैं कि नहीं हम सिलेंडर देंगे, ईद पर भी देंगे, मुहर्रम पर भी देंगे। अब जो अंधभक्त वाला हिंदू था वो क्या करे, कहां मरेगा? सोशल मीडिया पे अब देखना क्या होता है, हंगामा कट जाएगा। जिसे ये लगता था कि हम सब कुछ हिंदुत्व के प्रोधाओं के लिए कर रहे हैं, अरे भाई हमें भी यहां रहना है, आपको भी यही रहना है। ये देखना किसी दिन ये कहते नजर आएंगे कि बकरीद पर कोई भी पशु के मारने पर हम कोई रोक टोक नहीं लगाएंगे, ये कहते नजर आएंगे। सब कुछ बदल लोगे, पैसा है 500 का सिलेंडर दे दोगे, लेकिन शिक्षा मित्र अन्वेषक के देने के लिए पैसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमने बजट दोहरा कर दिया है। वो जा कह रहा है दोहरा बजट, किस जगह चला गया दोहरा बजट? सवाल तो बनता है, सवाल तो करना पड़ेगा और सवाल पूछना भी पड़ेगा, सरकार को जवाबदेही देनी पड़ेगी। हमारे पास बहुत ऐसे एमएलसी हैं देवेंद्र प्रताप सिंह जैसे, जो सत्ताधारी दल में रहकर भी सत्ता से सवाल करना जानते हैं। हमारे पास बहुत विधायक हैं जो आंख में आंख डालकर पूछते हैं, बताइए ये काम कब करोगे। बात यह है कि लोग पहले आप पर भरोसा समझकर छोड़े बैठे रहे, आप कुछ सोचोगे, आप एक भी वादे पर खड़े नहीं उतरे हो। लोग आपसे पूछेंगे प्रधानमंत्री जी आवारा पशु की बात उत्तर प्रदेश में कह के गई, लोकसभा विधानसभा चुनाव के बाद दोबारा नहीं चर्चा हुई आवारा पशु पर। आपने 2018 में शिक्षा मित्र की गारंटी ली, अनुदर्शक की गारंटी ली, आज तक पूरी नहीं हुई। आप कितनी योजनाओं से भागोगे, कितने लोगों के वादों से भागोगे? साई जी कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, क्या कहेंगे साई जी? बस अंतिम कमेंट आपसे लूंगा, शिक्षा मित्र अनुदेशक बेहद परेशान है, ऐसे दौर में वो जानना चाहता है क्या हो सकता है, क्या मिल सकता है, क्योंकि परेशान व्यक्ति तो कहीं से ऐसी चाहता है ऐसी खबर मिल जाए जिसमें दम भी हो, जो सच भी हो और जिसे मिलने की आशा भी हो। देखिए आज की जो बैठक थी वो बिल्कुल सकारात्मक थी, और जो मेरा अनुमान है वो केंद्र के निर्देश पर ये बैठक की गई थी। केंद्र तक भी यह जानकारी है कि उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र, उत्तर प्रदेश का अनुदेशक, उत्तर प्रदेश की रसोईया, उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी, उत्तर प्रदेश का स्पेशल एजुकेटर, ये सब परेशान हैं। इनके बेहतरी के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि महीने डेढ़ महीने में निश्चित रूप से इन सबके लिए कुछ बेहतर सरकार करेगी और तब उपचुनाव में जाएगी। जी सर, चलिए आपका बहुत बहुत आभार, दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष रूप से इस वीडियो को सबके साथ शेयर और लाइक करें। जो लोग अब तक भी सब्सक्राइब न किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सही बातों और तथ्यात्मक बातों पर विश्वास करें, अनावश्यक बातों पर बहस ना करें, नियमितीकरण की खबरों पर उतना ध्यान न दें। जितनी खबर आएगी वो सबसे पहले नियमितीकरण की आएगी, तो सरकार के पास से आएगी। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।